मिलान टू यूवे नील कल था मैच सैन सीरो एसी मिलान के होम ग्राउंड पे, और वही है यूजुअल हराम बोल यूवेंटस का। एलेग्री नीड्स टू बी सैक्ड भाई, ही जस्ट कांट कंटिन्यू इन दिस क्लब। और यूवे का डाउनफॉल इट्स सैड भाई। 7-8 सेरिया टाइटल्स, चैंपियंस लीग फाइनल, बारसा के अगेंस्ट, रियाल के अगेंस्ट, दे वर दिस क्लोज ट्वाइस टू विन द चैंपियंस लीग। दे वर बुलिंग ऑल द टीम्स इन द सेरिया, एंड फ्रॉम दैट टू दिस इट्स सैड भाई। एंड इट हैपन्ड क्वाइट फास्ट द डाउनफॉल, आई मीन एक दो सीज़न में, एंड माचुद की यूवेंटस की। और कल एसी मिलान फाड़ थी फर्स्ट हाफ में, दे वर ऑल ओवर यूवेंटस। यूवेंटस सबसे रबिश फुटबॉल खेलती है, किसी भी बिग यूरोपियन क्लब्स के साथ कंपेयर कर लो उनको, और दे आर हेडिंग फॉर द यूरोपा लीग। अगर वो ऐसी खेला बेनफिका उनकी मार देगी फिर से, और पीएसजी को तो वो हरा ही नहीं सकते, नो चांस। अगर मैसी और नेमार 1-1 लेग पे भी खेले तब भी यूवेंटस को हरा देगी पीएसजी। तो मेरे को नहीं लगता कि यूवेंटस आर रीचिंग राउंड ऑफ 16। लेकिन एसी मिलान की बात कर ले, दे वर डोमिनेट इन द फर्स्ट हाफ, दे हैड क्वाइट अ फ्यू चांसेस। रफाइल लियाल, व्हाट अ टैलेंट, ही इज़ अ बॉलर, वन ऑफ द ग्रेट्स फॉर द फ्यूचर। अगर वो ऐसे कंटिन्यू करता है तो ही इज़ स्ट्रॉन्ग, एक्सप्लोसिव, पासिंग, ही मिस प्ले सम पासिस हेयर एंड देयर, बट ही वॉज इलेक्ट्रिक, टू हॉट टू हैंडल फॉर द यूवेंटस डिफेंस। और ही हिट द पोस्ट ट्वाइस, वंस विद द बैक हील फ्रॉम द कॉर्नर, एंड सेकेंड स्वीट स्वीट स्ट्राइक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, और ही हिट द पोस्ट। यूवेंटस वर लकी इन द फर्स्ट हाफ क्वाइट अ फ्यू टाइम्स, बट इन द एक्स्ट्रा टाइम दे वर पनिश्ड फॉर बींग प्लेइंग लाइक दे वर प्लेइंग ऑन 1 लेग। और टोमोरी का अच्छा गोल था टर्न पे, ही कुड हैव मिस्ड इट क्योंकि वो डिफेंडर, और डिफेंडर से हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो क्लिनिकल फिनिश करे, लेकिन इट वॉज़ अ गुड फिनिश और डिजर्व करती थी मिलान फर्स्ट हाफ में लीड में जाना। और सेकेंड हाफ में भी सेम स्टोरी, मेरे को याद भी नहीं यूवेंटस का कोई अच्छा चांस था, वो मिलिक का हेडर सेकेंड हाफ में वही था, और स्टार्टिंग में क्वाड्राडो वगैरह ने हिट मार दी होगी दूर दूर से, तो मेरे को याद नहीं है। लेकिन मेरे को ऐसा कोई बिग अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि उनको स्कोर करना चाहिए था यूवेंटस को, दे जस्ट कांट क्रिएट, उनके पास क्रिएटिविटी नहीं है। अगर डी मरिया नहीं है टीम में, किएजा इंजर्ड है, पोगबा इंजर्ड है, विचक्राफ्ट डॉक्टर से बातें कर रहे हो, लेकिन अगर वो आ भी जाएंगे तो मेरे को लगता है एलेग्री के साथ वो अच्छा फुटबॉल खेल सकते हैं, क्योंकि इट्स नॉट इन इस डीएनए कि वो अच्छा फुटबॉल खेले बोल रखे। ही इज़ अ फॉसिल, ही डोंट डिजर्व टू कोच ए टीम इन 2022। वो पता नहीं कौन से ज़माने का फुटबॉल खेल रहा है। फुटबॉल हैव मूव पास्ट हिम एलेग्री के। और सेकेंड हाफ में ब्राहम डियाज, व्हाट अ गोल भाई। ही व्लाहोविच की मिस्टेक, ही गॉट द बॉल इन हिज हाफ एंड रन एट यूवेंटस। और बनूची कर क्या रहा था, ही वॉज सीनियर सेंटर बैक, यू जस्ट फाउल टेक वन फॉर द टीम, बट ही वॉज स्टैंडिंग देयर लाइक ही सॉ कॉट हिज वाइफ चीटिंग और समथिंग। ही वॉज जस्ट एंड वॉज नॉट इवन ट्रैकिंग बैक आफ्टर ही गॉट बीट। ब्राहिम डियाज वॉज वेरी फास्ट, ही गॉट द बॉल इन हिज ओन हाफ, एंड बिफोर यू नो इट बॉल वॉज इन द बैक ऑफ द नेट, और जस्ट लाइक दैट 2-0। और उसके बाद तो उम्मीद सी छोड़ दी थी यूवेंटस ने। पेरेडेस आया बेंच से, और अर्जेंटीना के प्लेयर्स का अच्छा सीजन जा रहा है, ये डिपॉल बेंच पे आया बेचारा, सिमियो ने उसको स्टार्ट नहीं करवा रहा, और पेरेडेस भी फंसा हुआ है एलेग्री के साथ, और अर्जेंटीना के प्लेयर्स का अच्छा सीजन नहीं है, लेकिन वो अलग बात है। और यूवेंटस को अगर ये सीज़न बचाना है तो उनको सैक करना पड़ेगा एलेग्री को, बट उनके प्रेसिडेंट बोल रहा था कि दे डोंट हैव द मनी टू सैक हिम। और एलेग्री का इज़ ऑन बोरोड डेज इन माई ओपिनियन, क्योंकि कोई भी बड़ा क्लब इतने टाइम तक कैरी ऑन नहीं करेगा ऐसे रिजल्ट्स, और उनके पास पैसा ना भी हो तब भी। अगर उनको चैंपियंस लीग फुटबॉल चाहिए, उनको रेवेन्यू इंक्रीज करना है, तो उनको खेलना पड़ेगा चैंपियंस लीग फुटबॉल, और इन रिजल्ट्स के साथ तो टॉप फोर इज़ लुकिंग क्वाइट हार्ड फॉर देम। और डी मरिया और पोगबा और किएजा की रिटर्न के बाद भी आई डोंट थिंक इस मैनेजर के साथ वो टॉप फोर क्रैक कर सकते हैं, लेकिन हाँ, दे हैव टू स्टेप अप देयर गेम। एलेग्री को जीतना पड़ेगा लॉकर रूम वापस, नहीं तो दे आर प्लेइंग द यूरोपा लीग नेक्स्ट सीज़न अगेन इन माई ओपिनियन। और सेरिया इज़ लुकिंग इंटरेस्टिंग, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ 2 आवर्स रेस बिटवीन नेपोली एंड एसी मिलान, तो हाँ देखते हैं।
सैरिया में क्या बनता है, और बुंडेसलीगा सैरिया थे।